हेलो फ्रेंड, टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो है इप्सन का इको टैंक प्रिंटर L6270 प्रिंटर। इस प्रिंटर से आप मोबाइल से कैसे प्रिंट करना है उसके बारे में दोस्तों आज के वीडियो है। दोस्तों मोबाइल से आप इस प्रिंटर को कैसे प्रिंट कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा देते हैं। आप भी 100% मोबाइल से फुल कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रिंटर को, इप्सन का इको टैंक L6270 प्रिंटर। दोस्तों आपके पास अगर इस प्रिंटर आप मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं, दोस्तों देखिए पूरे वीडियो, आप 100% मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों देखिए आप 100% मोबाइल से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में इप्सन स्मार्ट पैनल बोल के जो ऐप्स है उस ऐप्स को मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। दोस्तों तो आपको इप्सन स्मार्ट पैनल सॉफ्टवेयर को अभी पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा मोबाइल में। उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं, आप 100% मोबाइल से फुल कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मेरा अभी इंस्टॉल हो रहा है, देखिए हमने थोड़ा सा वीडियो काट दिया है, देखिए अभी मेरा इंस्टॉल हो गया है इप्सन स्मार्ट पैनल। तो हमें अभी ओपन करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। दोस्तों तो देखिए सिंपल सा ओपन में सिंपल सा क्लिक किया, उसके बाद देखिए दोस्तों एग्री में क्लिक करना पड़ेगा नीचे में, उसके बाद ओके करना पड़ेगा दोस्तों देखिए नीचे में, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना पड़ेगा और आपको जो डेटा है हर डेटा आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद वाईफाई इप्सन स्मार्ट पैनल ऐसे कुछ लिखा आएगा, स्कैनिंग हो रहा है, वाईफाई स्कैनिंग हो रहा है। तो सिंपल सा आप बैक कीजिए, सिंपल सा देखिए बैक कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस लोगो आएगा एक्सेसरीज, इसमें आपको कार्ड देना है और जो आपको प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको नॉट सिलेक्ट, इसमें आपको सिलेक्ट करना है, सिंपल सा प्लस चिन्हों में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों कनेक्ट स्मार्टफोन टू प्रोडक्ट ऑलरेडी कनेक्ट वाईफाई, नीचे में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इप्सन स्मार्ट पैनल मैंने अभी ऊपर में क्लिक किया, दोस्तों देखिए इधर थोड़ा सा घूमेगा और जिसे देख सकते हैं थैंक यू फॉर चॉइसिंग इप्सन, इधर दोस्तों नहीं क्लिक करना है, नीचे में दोस्तों क्लिक करना है, नीचे में कनेक्ट स्मार्टफोन टू प्रोडक्ट ऐसे नीचे में आपको क्लिक करना है, सिंपल सा इप्सन स्मार्ट पैनल। इसमें दोस्तों देखिए आप L6270 सीरीज में आया है, इसमें आपको सिंपल सा क्लिक करना पड़ेगा और आपका प्रिंटर में SMS जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दिया है, मेरा प्रिंटर में भेज दिया है, इधर लिखा आ रहा है। तो देखिए प्रिंटर में भी कनेक्शन भेज दिया है, मेरा मोबाइल का मॉडल दिख रहा है प्रिंटर में। दोस्तों आपको अप्रूवल कर देना है, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करने से आपको नहीं होगा। तो दोस्तों अप्रूव कर देना है प्रिंटर में, सिंपल से अप्रूव में ओके कर देना है, ठीक है, और आपका मोबाइल में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए सिंपल सा थोड़ा सा टाइम लगता है, घूमेगा और देखिए दोस्तों मेरा जो प्रोडक्ट है कनेक्शन इज कंप्लीट हो गया है, मेरा प्रिंटर का मॉडल है 6270। तो दोस्तों ओके में क्लिक करना पड़ेगा सिंपल सा, ठीक है। देखिए दोस्तों चेकिंग फर्मवेयर वर्जन अभी 0% है, मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपल सा देखिए मैंने अभी नो कर दिया है। उसके बाद मेरा जो जितना भी गैलरी में जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटोज है, ठीक है, उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट फोटो में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा हर डेटा अलाउ करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए आपको मोबाइल में जितना भी एक्सेसरीज डेटा है हर डेटा आपको इस सॉफ्टवेयर में चलाया है। तो दोस्तों हमने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर दी थी, दोस्तों देखिए मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट में सिंपल सा क्लिक कर दी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मेरा अभी पेपर का साइज़ है 4x6। दोस्तों आपको पेपर साइज़ A4 है तो A4 में क्लिक करना पड़ेगा पेपर साइज़ में, ठीक है। और पेपर टाइप में दोस्तों पेपर टाइप मेरा पेपर टाइप सा है प्लेन पेपर, मतलब जेरोक्स पेपर मेरा अभी दिया हुआ है, फोटो पेपर अगर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा अभी फोटो पेपर सिलेक्ट हुआ है, मैंने अभी प्रिंटर में जेरोक्स पेपर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब प्रिंट पेपर। और प्रिंट क्वालिटी दोस्तों स्टैंडर्ड रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और दोस्तों आपको पेपर बहुत खाली आएगा पेपर में। तो दोस्तों सिंपल सा मैंने अभी प्लेन पेपर में क्लिक कर देता हूँ और सिंपल सा मैंने अभी प्रिंट कर देता हूँ सिंपल सा। और दोस्तों देखिए मेरा प्रिंटर में अभी नेक्स्ट मांग रहा है, ठीक है, मतलब पेपर साइज़ दोस्तों मेरा अभी ठीक नहीं है, ठीक है। पेपर देखिए दोस्तों मिसमैच, ठीक है, इसमें दोस्तों यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों पेपर प्रिंट इसमें भी दोस्तों यस कर देना है दोस्तों, ठीक है, नहीं तो आपको प्रिंट नहीं आएगा। मैंने 4x6 प्रिंट दिया है इसलिए दोस्तों पेपर मिसमैच मैसेज आया, आपको ओके करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रिंट हो रहा है सिंपल सा, दोस्तों देखिए अभी मेरा भी प्रिंट हो रहा है। दोस्तों देखिए आप भी सेम प्रोसेस से काम करते हो, आप भी 100% मोबाइल से प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों मैंने अभी आपको लाइव दिखा दिया मोबाइल से कैसे प्रिंट करना है। दोस्तों आप देखिए
आप भी 100% इस पिन को कर सकते हैं, मोबाइल से फुल कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए, आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने अभी मोबाइल से कितना अच्छा पिन क्वालिटी आया है, ठीक है। आप भी 100% मोबाइल से फुल कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।